हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मूंग की दाल का हलवा। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाने में बहुत ही आसान है। आप जब चाहें तब घर पे इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 250 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल। ये हमने अच्छे से धोकर के एक घंटे पहले भिगो दी थी। इसके लिए लिए हमने 100 ग्राम बादाम, थोड़ी सी केसर की पत्ती जो मैंने दूध में भीगी हुई है। अब हम दाल को एकदम बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, दाल को मैंने जार में डाल लिया है और अब हम इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, दाल को पतला नहीं करना है। और बादाम भी हम साथ के साथ छील करके एकदम बारीक पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने एकदम बारीक पीस लिया है, इसमें एक भी दाल का दाना नहीं है और हमने इसमें पानी भी नहीं डालना है पीसते हुए। अब हमने बादाम छील लिए हैं, इनको भी हम जार में डालेंगे और दूध डाल करके इनको एकदम बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमने बादाम को भी एकदम बारीक पीस लिया है। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, दाल को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। आप कढ़ाई में या फ्राई पैन में, जिसमें भी आप इसको भूनना चाहते हैं, वो आप बर्तन यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। 250 ग्राम दाल है तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम ही घी लिया है। फ्रेंड्स, अब हम दाल को सेकना स्टार्ट करते हैं। हमें घी इसमें एक एक चम्मच ही डालना है, सारा एक साथ नहीं डालना है, और सेकने में कम से कम हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को हमें लो रखना है और हम थोड़ा सा इसमें हमने घी डाल दिया है। अब इसको सेकना स्टार्ट करेंगे। हमें इसको धीमी आंच पर ही सेकना है। देखिए फ्रेंड्स, दाल टाइट होने लगी है, इसमें कुछ गांठें पड़ने लग गई हैं। अब हम थोड़ा सा घी इसमें और डाल देंगे और इसी तरह से इसको सेकते रहेंगे। दाल का पानी सूखने लग गया है, दाल में गांठें पड़ने लग गई हैं। हमें इसको लगातार हिलाते रहना है, नीचे लगे नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, दाल सिकने लग गई है, कलर भी चेंज होने लग गया है और दाल पूरी तरीके से खुल चुकी है। अभी हम इसे और सेकेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल का कलर एकदम चेंज हो गया है, बिल्कुल बादामी रंग हो गया है। अब हम जो बादाम पीसे थे उनको डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम हमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। हमने बादाम डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बादाम बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सिकने भी लग गए हैं। अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगती है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। हम घी बाद में नहीं डालेंगे, अगर आप डालना चाहते हैं तो अभी डाल सकते हैं, वरना जो हमने आपको क्वांटिटी बताई है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। बादाम बहुत अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इसमें मावा डाल देंगे। फ्रेंड्स, 250 ग्राम दाल के साथ में हमने 400 ग्राम मावा लिया है। अगर आप चाहें तो बराबर की क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मावा लिया है। फ्रेंड्स, मावे को भी हम अब बहुत अच्छे से दाल के साथ में सेक लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मावा दाल में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और सिकाई भी बहुत अच्छे से हमने इसकी कर ली है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, चाशनी हमें एक तार की तैयार करनी है। एक तार की चाशनी बनाने का तरीका मैंने आपको मीठी मछली में बताया था, हमें बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर से एक तार की चाशनी तैयार करनी है। हमने यहाँ पे चीनी ली है 400 ग्राम, 400 ग्राम चीनी, आधा ग्लास पानी। अब हम इससे चाशनी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी बनके तैयार है। अब हमने जो केसर की पत्तियाँ भिगोई थी इनको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चाशनी को बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। एक दो मिनट हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर जो हमने दाल सेकी थी उसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके हमने दाल सेकी है उसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने थोड़ी सी चाशनी डाल दी है और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। बाकी की चाशनी को भी डाल देंगे। और अच्छे से इसको मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। अच्छे से हमने इसमें चाशनी मिक्स कर ली है। अगर आप चाहते हैं तो इसको थाली में जमा सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। गर्मा गर्म दाल का हलवा आप सर्व कीजिए। आप किसी भी ओकेज़न पे बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो, होली हो, दिवाली हो, या जब आपका मीठा खाने का मन करे तब आप घर पे मूंग की दाल का हलवा बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।